हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। चाहने में नहीं आ रहे हम लोग, मैं भी तैयारी चल रही है गाइस। सड़क पर रोड बन रहे थे, सड़क पर तो मुंह के बल गए। वो पता है टाइम कितना हो रहा है रात का, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। 1:15 हो रहे हैं और यहाँ सिर्फ तैयारी चल रही है इनकी। मेहंदी हाथों की तो लगवा लाई थी, अब पैरों की मेहंदी लग रही है। और जिसकी मंगनी है वो तो जाएगी नहीं, तो इसलिए वो मेहंदी लगा रही है। और ये मैंने चारकोल फेस पैक लगाया है, बिना एसी के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये फिर ड्राई नहीं होगा। सो फाइनली गाइज, आज मंगनी का दिन आ गया है। सुबह सब लोग उठ गए, रात को लेट सोए थे सब लोग, बहुत ही ज़्यादा लेट। मैं 3 बजे सोई थी और बाकी का मुझे पता नहीं कि किस टाइम सोए थे, क्योंकि मेहंदी मेहंदी लग रही थी पूरी रात। तो तैयारी चल रही थी रात से सुबह उठने के बाद, और भी ज़्यादा सारी तैयारी शुरू हो गई है, प्रिपरेशन शुरू हो गई है, क्योंकि हम लोगों को नाइट में जाना है, नाइट फंक्शन है, तो शाम में जाएंगे। तो आज का पूरा दिन क्या जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो जिस तरह भी सोकर उठी हो, गर्म पानी पीऊंगी मैं, तो पानी पीने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया हाथ पे, तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ। सब लोग अंदर चल रहे हैं ना, अंदर खाएंगे, ठीक है? आपको भी करवा देते हैं। नहीं तो ये हम सब लोगों की चाय और हम सब करेंगे नाश्ता। देखो दोनों के दोनों नाश्ता कर रहे हैं। बुराक गंजा करवाने जा रहे हो? बुराक के सर में हो गई थी जुए, तो उसके बहुत ज्यादा डैंड्रफ भी हो रहा है, तो इसलिए ना बुराक को गंजा करवा रहे हैं। बुराक तो फंक्शन में जाएगा नहीं, बुराक तो यहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, रोते धोते रहते हैं, इसलिए रोना चालू कर देगा। सोचा मदद कर गया रहा है सबको। सब देखो गंजा हो गया, अभी कितना क्यूट लग रहा है। गाइस पैकिंग ही खत्म होने में नहीं आ रही बिल्कुल भी। अरे वॉच तो रह गई, वॉच को पैक करना पड़ेगा क्या? ये ऐसे पैक है, ऐसे उसमें भी वो है, वॉच है दूसरी। भाई पैकिंग खत्म नहीं हो रही और शाम को फंक्शन है, 2 बजने वाले हैं दोपहर के, और बाहर बारिश हो रही है। सलामी होती है ना, मंगनी में भी होती आई थी। मैं सोच रही हूँ प्रैंक गिफ्ट बनाऊँ, प्रैंक डब्बे में गोभी बंद, ऐसा कुछ प्रैंक गिफ्ट बनाती हूँ, मजा आएगा। आफ्टर ऑल इकलौती साली हूँ मैं, क्योंकि नाजप्पी तो बड़ी हो गई, तो छोटी साली मैं ही हूँ, तो थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना तो बनता है। तो नाजप्पी के हेयर ड्राई कर रही हूँ मैं। आज टाइम पर अभी भी शॉपिंग रह गई और अब जा रहे हैं लोग, पता नहीं कब आएंगे। गायब। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैं इयर रिंग्स नहीं लेके आई अपने लिए, भूल गई। और अब मुझे लास्ट टाइम पे याद आ रहा है कि मेरे पास तो इयर रिंग्स ही नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, झुमके नहीं है मेरे पास। लास्ट टाइम पे जाने का तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें 1 से 2 घंटे में निकलना है, और मार्केट जाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहाँ नहीं जा सकती मैं। तो अब अपनी इन्हीं ज्वेलरीज में से देख रही हूँ कुछ मैच हो जाए मेरा। यार एक्चुअली ब्लैक मेरा लॉन्ग फ्रॉक है अनारकली, तो उस पर पहनना है। पहनो, ये अच्छे लग रहे हैं क्या? ये पहन लो। नहीं ये इस पर फिर आंटी वाला लुक आ जाएगा थोड़ा सा। ये वरना ये पहन लो, झुमके पहन लो, लेकिन इसका स्टोन निकल गया है, छोटे हैं तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। इसमें और है ज्वेलरी, इसमें देखते हैं। अरे ये पहन लूँ क्या गले में, कैसा लगेगा? ज़्यादा हैवी लुक ना हो जाए, जो बहुत ही सिंपल सा लुक बनाना है। तो गाइज हम लोग रेडी हो गए हैं फंक्शन में जाने के लिए। नोनू जो अपने पसंद से कल कपड़े लेकर आया था, नोनू ने ये पहने आज, हम दोनों ने ये पहना है आज। नोनू स्मार्ट बॉय। यहाँ बन रहा है हमारा प्रैंक गिफ्ट, जिससे का हम प्रैंक करेंगे, और असली गिफ्ट जो है वो यहाँ है उनका, लेकिन ये वाला प्रैंक गिफ्ट है। हम लोग निकल रहे हैं, बाय बहन। बहन का मुंह नहीं दिखा रही, बहन ने मना किया है। बाय, मुबारक हो आपको, आपको बुक करने जा रहे हैं हम। वो नहीं जा रही है, बस हम जा रहे हैं। कंगा ले लिया था ना आज़िब पे? नहीं, नहीं, अम्मी तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास। चलो अम्मी के पास तो है कंगा, कोई ले या ना ले। पता है सबको तैयार करने के चक्कर में मैं लास्ट में होती हूँ, सबसे बेकार तैयार होती हूँ। अम्मी उधर देखो इसके हेयर स्टाइल, मैं लगा लूं अपने बालों में निकाल के। ये देखो हमने फूल पहने और सब झड़ गए। तो हम सब लोग यहाँ आ गए हैं, और मेकअप गर्मी में मेकअप का बुरा हाल हो गया। अभी जस्ट सामान लगाया है यहाँ पे,
जो सामान हम लोग लेकर आए हैं बीजू की फैमिली के लिए। सास और दामाद जीजू डोंट बी नर्वस। तो जल्दी से हाथ रख के दामाद के सर पे क्लिक करवा लो। सर वाला भी ले लो। रेनो अपने सर पे हाथ रख देना। मैं भी तो बड़ी हूँ, मैं रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ मैं कद में छोटी है, कद में बहुत छोटी है, बात नहीं बोल रहा। चलो हाय भी कर दो, इसी बात पे हाय कर दो। हाय ऐसे नहीं, ऐसे हाय। नानू कुछ बोलना मत। नहीं नहीं नहीं। नानू सरप्राइज है। हाँ जीजू। वो बोलेगा ही नहीं। अरे अम्मा की कसम थक जाऊंगा मैं तो खड़े खड़े ऐसे बोलने से भाई। जलाया उसका नाम है। ज़ूम बहुत। हाँ यार टूट गया। रो सस्पेंड बात है यार, याद वाले थे। इसे हटाओ, इसे हटाओ। धड़कने बढ़ते बड़ा। ये चांस आने वाला है। देखो भाई ऐसा मजा ना आए तो पैसे वापस। मसाला खाए इसको। अरे अब तो गिफ्ट है भाई। ऐसे पैसे बनाते रहे, बनाते रहे। सदा सुखा। जीजू साले। तो सलामी हो गई है और मैंने कुछ ऐसे ही प्रैंक पैक किया था ताकि थोड़े से मजे आ जाएं। तो मजा आया, मैंने अपना रियल वाला गिफ्ट भी दे दिया जीजू को। फिलहाल फंक्शन एंड होने की तरफ है, अभी नाश्ता लग रहा है। नाश्ता वाश्ता करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अभी सलामी चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो। मैं तो इसके कोने में आगे बैठ गई। देखो कितनी भीड़ अभी तक। फीवर आ रहा है। बुराक घर पे था बेटा मेरा। बुराक
मिले हम सब लोगों के लिए गिफ्ट्स यहाँ पे। एक ये बॉक्स है और एक बड़ा वाला बॉक्स है। ये रहा बड़ा वाला। हम लोग पहले खोलेंगे। हमारी तरफ प्रैंक किया है। तो इसमें है गिफ्ट सब। तो ये जितने भी लोग एंगेजमेंट में गए थे सबके लिए गिफ्ट है। यही था आज का व्लॉग। और मतलब ज्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई मैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आप समझ सकते हो कि जब फैमिली फंक्शन होता है तो। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब लोगों ने। और अभी हम लोग घर आ गए हैं, रात के बज रहे हैं 2 और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।